सर क्या कहेंगे जो कल कांदिवली में घटना घड़ी घटी है, जो 400 कार जो बारिश के पानी में डूबी थी, और उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? महापालिका में जो पार्किंग का जो काम है वो महापालिका की खुद की वो इमारत है, तो उसके मालकाना हक महापालिका का आता है। मुंबई का भी हक महापालिका का है। ये जो बारिश के कारण जो संकट आया है जिसमें 400 कारें बह गई है, उनका नुकसान देने का काम भी महापालिका को करना है। इस बारे में हम महापालिका से संपर्क करेंगे और 400 लोगों का जो हमारे भाई बहनों का नुकसान हुआ है वो महापालिका को भर के देना चाहिए, ये हमारी मांग होगी। सर कल की जो चेम्बूर में दुर्घटना घटी है, उनके लोगों को अभी तक प्रशासन ने स्थलांतरित नहीं किया है, दूसरी जगह पे गई देखिए, जो भी घटना घटती है उस वक्त वो किसकी भिंत है या किसकी जमीन है, उससे भी बढ़िया काम होता है कि वो उसका जिम्मेदार वहां की कौन सी सरकारी यंत्रणा है। मुझे ऐसे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका को तात्काल उनको स्थानांतरित करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, मलबा निकालने का काम करना चाहिए और तात्काल उसमें महापालिका जिम्मेदारी लेके ये काम करना चाहिए। मुंबई में जो भी अनधिकृत बांधकाम होते हैं या गलत बांधकाम होते हैं उसकी जिम्मेदारी महापालिका की होती है। कंगना के घर तक जाने के लिए इनके पास वक्त है, लेकिन सर्वसामान्य गरीबों की सुरक्षा के लिए इनके पास वक्त नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं माननीय पुलिस आयुक्त मुंबई को आज खत लिखने वाला हूं, जिसमें मैं स्पष्टता से लिखने वाला हूं ये जो मुंबई में 31 लोगों की जो मौत हुई है उसकी जिम्मेदार महानगर पालिका के प्रशासकीय अधिकारी है और इसके ऊपर मनुष्यवध का गुनाह दाखिल करना चाहिए। सर, सामना के अग्रलेख में ऐसा लिखा गया है कि कल का जो बारिश हुई है सब जिले में वो एक नैसर्गिक आपत्ति। मुझे ऐसे लगता है कि हिंदी वृत्त चैनल में सामना कोई पढ़ता भी नहीं होगा, तो इस बातमी का कोई महत्व नहीं है सामना ने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। माननीय संजय राउत जी, आपत्ति का काम अगर जो जिसके जिम्मेदार उनकी खुद की सरकार है, जिम्मेदार उनकी महानगर पालिका है, वो अगर नैसर्गिक और भगवान के ऊपर अगर छोड़ना चाहती है तो पूरी तरीके से गलत है। संजय राउत जी, इसके जिम्मेदारी लीजिए और महापौर का तत्काल राजीनामा ले लीजिए। सर काय सांगाल, आज जे कांदिवली मध्ये घडलंय, 400 कार ज्या पार्किंग मध्ये होत्या ते बीएमसीचे पार्किंग होती, आणि जे नुकसान भरपाई झाले त्याचा कोण जबाबदार आहे त्याला? महापालिकेची पार्किंग असल्यामुळे त्याची मालकी ही महापालिकेची आणि मुंबईची देखील जिम्मेदारी महापालिकेची आहे, त्यामुळे ज्या 400 लोकांचं नुकसान झालंय त्याची भरपाई महापालिकेने द्यावी हे स्पष्टपणे संकेत आहेत, त्यामुळे याला महापालिका जिम्मेदार धरेल आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने त्या 400 लोकांची भरपाई मिळेपर्यंत संघर्ष करू। सर चेंबूरची काल जी दुर्घटना झाली आहे त्याच्यामध्ये अजून लोकांचे स्थलांतरित नाही केले प्रशासनाने? चेंबूरच्या घटनेमध्ये संपूर्णपणे महानगरपालिका जिम्मेदार आहे। आतापर्यंतच्या स्थलांतरामध्ये कोणाची ती भिंत होती काय होती यापेक्षा तिथली तत्सम जी यंत्रणा असते त्यांनी तातडीने पहिला निर्णय घेऊन स्थलांतरित करण्याचा किंवा लोकांना सुखरूप करण्याचा किंवा मलबा काढण्याचं काम हे त्या महापालिकेचं आहे, जे मुंबई महापालिकेची जिम्मेदारी आहे। माझं स्पष्ट म्हणणं आहे की मुंबईमध्ये झालेल्या 31 ज्या काय दुर्दैवी घटना आहेत ज्यामध्ये मृत्यू पडले त्या सर्वाला जिम्मेदार महानगरपालिका आहे। ह्या महापालिकेतील मिठी नदीचा भ्रष्टाचार असेल, खड्ड्यांचा भ्रष्टाचार असेल, एसटीपी पाण्याचा भ्रष्टाचार असेल, याच्यामुळे मुंबई पाणी तुंबायला लागली आणि त्यामुळे हा निर्णय झालेला, ही घटना घडलेली आहे। त्यामुळे मी आज मुंबई पोलीस आयुक्तांना एक पत्र देऊन महापालिकेच्या तत्सम अधिकाऱ्यांवरती मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशा प्रकारचं एक पत्र आज माननीय पोलीस आयुक्तांना देतोय आणि याबाबतीत लवकरच जर निर्णय नाही झाला तर त्याबद्दल आम्ही संघर्ष करू। सर सामनाच्या अग्रलेखामध्ये असं आहे की कालची जी पाऊस पडलाय तो नैसर्गिक आपत्ती आहे त्याची। संजय राऊतांनी सामनामधून काय लिहिलं याला कोण ठीक घालत नाही। संजय राऊत काय म्हणतात काय लिहितात याला काही महत्व नाही, 2-4 हजार लोक तो पेपर वाचत असतील, परंतु संजय राऊतांनी आपत्तीबद्दल बोलून जनतेवर आलेलं संकट लोकांवर टाकायचं किंवा नैसर्गिक आपत्तीवर टाकण्याचं काम करू नये। त्यांची महापालिकेत सत्ता आहे, त्यांची राज्यात सत्ता आहे, त्यांनी स्पष्टपणे याची जिम्मेदारी घ्यावी, झालेल्या मृत्यूची जिम्मेदारी घ्यावी, मुंबई विस्कटलेल्या मुंबईची जिम्मेदारी घ्यावी, पिण्याच्या पाण्याचे हाल झाले त्याची जिम्मेदारी घ्यावी आणि तात्काळ त्यावर निर्णय घ्यावा आणि माननीय महापौरांनी राजीनामा द्यावा, ही अशी आमची मागणी आहे।